हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाने जा रहे हैं आम का अचार। तो बने रहिए हमारे वीडियो के अंत तक। आम को काट करके इसमें हल्दी नमक मिला करके इसे रात भर के लिए रख देंगे। ये देखिए पानी, ये कितना ज़्यादा पानी छोड़ दिया है। अब इसे हम धूप में डाल देते हैं। देखिए कितना गल गया है नमक की वजह से। सिर्फ एक घंटे के लिए इसे सुखाना है ताकि इसका नमक अच्छे से निकल जाए। तब इसे हम धूप में डाल देते हैं। एक घंटे के लिए धूप दिखा देंगे, इसकी जो नमी है ना निकल जाए। चलिए अब इसे हम देख लेते हैं, इसमें नमी थी वो अच्छे से सूख चुका है। अब इसे हम उठा लेते हैं। अब इसमें मसाला मिक्स कर लेंगे। ये देखिए कितना बढ़िया दिख रहा है, अच्छे से सूख चुका है। अब इसे हम उठा लेते हैं। ये देखिए सब आम उठा लिए हैं, सब आम के टुकड़े को उठा लिए हैं। अब इसमें हम मसाला डाल लेंगे। हम मसाला डाल के अच्छे से मिला लेंगे। तो चलिए अब इसमें मसाला डालते हैं। देखिए अचार बनाने के लिए, आम का अचार बनाने के लिए हम इतना मसाला लिए हैं। 4 से 5 चम्मच धनिया लिए हैं, ये 2 चम्मच काली मिर्च लिए हैं, 2 चम्मच मेथी लिए हैं और 4 चम्मच अजवाइन लिए हैं, 3 चम्मच जीरा लिए हैं, 5 चम्मच सौंफ लिए हैं, थोड़ा सा लाल मिर्च ले लिए हैं। भून करके मसाला तैयार कर लेंगे, इसे पीस करके मसाला तैयार कर लेंगे। तो चलिए इसे हम भून लेते हैं। ये सब मसाले को हम एक ही में मिक्स कर दे रहे हैं। एक ही में मिक्स करके इसे हम भूनेंगे और सूखी मिर्च को हम अलग भूनेंगे। तो गैस पे हम कढ़ाई रख दिए हैं, कढ़ाई गर्म हो चुकी है। अब इसमें हम मसाले डाल लेंगे। ये सब मसाले डाल करके अच्छे से भून लेंगे। इसे ज़्यादा नहीं भूनेंगे, हल्का हल्का भूनेंगे। बस चटकने लगेगा तो हम उतार देंगे। ये मसाला अच्छे से भून चुका है, अब इसे हम निकाल लेते हैं। ये देखिए हम इसे निकाल लिए हैं। अब सूखे मिर्च को भून लेंगे। अब इसे हम निकाल लेते हैं, अच्छे से भून चुका है। ये देखिए ये सब मसाला हम भून लिए हैं। अब इसे हम दरदरा पीस लेंगे। सौ ग्राम तेल गरम कर लेंगे। अब इसे हम ठंडा होने देंगे। सब आम के टुकड़े को उठा लिए हैं। अब इसमें हम मसाला डाल लेंगे। हम मसाला डाल के अच्छे से मिला लेंगे। तो चलिए अब इसमें मसाला डालते हैं। सबसे पहले हम इसमें कलौजी ऐड करेंगे, इसे हम मंगरेल भी कहते हैं।
अब इसमें हम काला नमक डाल रहे हैं 1 चम्मच, 1.5 चम्मच डालेंगे। अब इसमें हम हींग डालेंगे, छोटी चम्मच से 1 चम्मच है। अब इसमें हम कस्तूरी लाल मिर्च पाउडर डालेंगे, कलर के लिए 1 चम्मच डालेंगे। नमक डाल लेंगे 1 चम्मच है। ये जो मसाला हम भून करके रखे थे उसे पीस लिए हैं, उसे डाल देंगे। अब इसमें हम थोड़ा थोड़ा तेल डालेंगे और इसे हम मिलाते रहेंगे। देखिए हमारा आम का अचार बनके रेडी हो चुका है। अगर हमारी रेसिपी पसंद आई है तो हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हमारी आने वाली वीडियो आप तक जरूर पहुंचे। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। अब इसे हम डिब्बे में भर लेते हैं। आप चाहें तो कांच के भी डिब्बे में भर सकते हैं। ये देखिए हम डिब्बे में भर दिए हैं। अब इसे हम ढकेंगे नहीं, बिना ढके ही धूप में रख देंगे। 1 महीने तक लगातार धूप में रखें, ये अच्छे से गल जाएगा।